ये हो गए 49 और ये 50. सैलरी के नाम पर एक चिल्लड़ बची है मेरे पास. आज 1 तारीख हुई है यार, 7 तारीख को सैलरी आएगी. लगता है फिर से उधार लेना पड़ेगा और अभी वो लैंडलॉर्ड भी टपक जाएगा, रेंट दे दो रेंट दे दो. आ गई मुसीबत. अरे अंकल आप फिर से. हाँ. मैं सोच ही रही थी कि लाइफ में टेंशन खत्म नहीं हुई. आप और आ गए अपनी मनुष्य शक्ल लेकर. अब आ गए तो फॉर्मेलिटी के लिए आपको अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा. थैंक यू बेटा. आप ना भी बुलाते तो भी मैं अंदर आ जाता. अच्छा. मेरे ही तो घर है. अच्छा. थोड़ा साइड होना सही. जी. अरे बेटा ऐसे क्या देख रही हो, मेरे ही तो घर है. नहीं नहीं अंकल, घर तो आपका ही है, बट एक्चुअली वो ग्लास है ना वो मेरा है. हाँ ये तो है, लेकिन है तो मेरे ही घर में. बैठो बैठो बैठो. अंकल वैसे तो मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन तब भी खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए पूछ लेती हूँ, कुछ काम धंधा नहीं है क्या आपके पास? अरे बेटा यहाँ से निकल रहा था, सोचा रेंट के नाम पे थोड़ी बेइज्जती करता चलूं. वैसे भी किराएदार की प्राइवेसी भंग करना तो मकान मालिक का हक होता है ना. अंकल बिल्कुल अपनी शक्ल जैसी घटिया बात करी आपने. वैसे अब चाय पियेंगे आप? चाय प्लीज मना कर दीजिएगा, वरना दूध लाना पड़ जाएगा. अरे बेटा आपको तो पता है मुझे सिर्फ खून पीना पसंद है. वैसे मुझे पता है कि रेंट आप अभी नहीं दे पाओगे, फिर भी जलील करने का अपना ही मजा है. तो रेंट कब दे रहे हो आप? अंकल 100 कमीने मरे होंगे तब जाके आप पैदा हुए होंगे. जब हर महीने की 7 तारीख के बाद रेंट देती हूँ तो 1 तारीख को मुंह उठा के क्यों चले आते हैं भिखारियों की तरह? अरे बेटा लैंडलॉर्ड हूँ ना, किराएदार को जब तक उसकी औकात बार बार याद ना दिला दूँ लगता ही नहीं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ. वैसे ये रेंट वेंट सब बहाना है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें जज करने आया हूँ. सुना है यहाँ कोई लड़का भी रहता है? अंकल आप थोड़ा सा लेट हो गए, अभी तो गए रात भर यहीं था. एंड टू हर्ट योर मेल ईगो, हम ना लिव इन में रहते हैं. अरे बेटा ये लिव इन की बात सुन के मेरे स्यूडो संस्कारी विचारों को थोड़ी ठेस तो पहुंची है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम लैंडलॉर्ड और इस घर में 2 लोग रह रहे हैं तो रेंट मेंटेनेंस बिजली और लिबरलिज्म के नाम पे रेंट बढ़ाने का वैलिड पॉइंट तुमने मुझे दिया ही है. अंकल वैसे बाद में दम तो है आपकी, मेंटेनेंस तो यहाँ की इतनी अच्छी है कि क्या बताओ. इलेक्ट्रिसिटी 24 के 18 घंटे आती है और लिबरलिज्म, अंकल पड़ोस वाली आंटियां बैकलेस ब्लाउज पहनकर मेरी स्कर्ट को घूरती हैं और पार्किंग तो यहाँ पर इतनी बड़ी है ना सोसाइटी के बाहर जहाँ से मेरी स्कूटी चोरी हुई थी. और सफाई की तो बात मत ही करिए, बिल्डिंग में हर दूसरे हफ्ते सफाई होती है. कभी कभी तो आपकी शक्ल मुझे इस बिल्डिंग से ज्यादा साफ दिखाई देती है, बताइए. अब बेटा आप ही देख लीजिए, इतनी कम फैसिलिटीज मिलेंगी आपको इतने ज्यादा दाम में. और तो और सबसे बड़ी चीज आपकी मजबूरी, बॉयफ्रेंड और ऑफिस दोनों पास में है. अब मजबूरी के नाम पे 20% रेंट तो बढ़ाना बनता है क्यों? अंकल सच बताइएगा, गाली आपकी फेवरेट डिश है ना, कितनी गाली खाना पसंद है आपको? नहीं बेटा खाना तो मुझे अपनी बीवी की मार ही पसंद है, यू नो आई अवॉइड आउटसाइड फूड. वैसे क्यों? वो कुछ नहीं अंकल, आपने 3 महीने पहले बच्चे की फीस के नाम पे रेंट बढ़ाया था और 6 महीने से एसी शार और पावर बैकअप खराब है, पर ये सुनकर तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना. अरे बच्चे किराएदार को इन छोटी छोटी चीजों के लिए रुलाना तो हमारे में शुभ माना जाता है, अब जब आप खुद घी खार कर ये सब खुद से ठीक ना करवा ले हमारा खाना नहीं हजम होता. अंकल आपकी ये बात सुनकर ना मुंह में थूक आ गया, आप परमिशन दे तो एक बार आपके मुंह पे थूक सकती हूँ. वैसे मैं सोच रही हूँ कि एसी शार और पावर बैकअप ना मैं रेंट के पैसों से ही ठीक करवा लूँ, क्यों? बेटा अपने दिल की तसल्ली के लिए आप पैसे काट लो, लेकिन रिमेम्बर सिक्योरिटी के 40,000 आज भी मेरे पास हैं और यही तो मौके होते हैं सारी सिक्योरिटी हड़प कर जाने के, और इसी बहाने मुझे मौका भी मिल जाएगा आपको घर से निकालने का. अंकल घर से निकालने की बात मत करिए, निकलते हुए तो मैंने आपको देखा था शर्मा आंटी के घर से, वो भी रात के 1:30 बजे, और उनकी फोटो पे जो आपके लव रिएक्शन होते हैं ना वो आपकी स्यूडो संस्कारी इमेज का अचार बनाने के लिए काफी है.
वैसे मैं सोच रही थी बहुत टाइम से आंटी से मेरी बात नहीं हुई, आप कहें तो कर लूँ क्या? अरे बेटा अंकल मजाक भी नहीं कर सकते, वैसे तुम्हारी ये धमकी सुन के ना मेरी इतनी फट चुकी है कि अगले 3 महीने तक के मैं तुमसे रेंट नहीं मांगने वाला। वैसे अब मैं ना कोई बहाना बना के यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है अंकल, अपनी मनु शक्ल में दिखाइएगा आप और मैं ना रेंट रुला रुला कर ही दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं ना यहाँ से निकलता हूँ, मुझे मोची के पास जाना है थोड़ी सिलवाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बेटा।